बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अनचार्टेड। इस कहानी की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम सैम और नेथन होता है। ये दोनों के दोनों एक म्यूजियम जाते हैं जहां पर ये एक बहुत पुराने मैप को चोरी करने की कोशिश करते हैं। ये मैप आज से कई सौ साल पहले समंदर में यात्रा करने वाले उन नाविकों ने बनाया था जो कई सालों तक समंदर में यात्रा करते रहे, पर ये दोनों भाई उस मैप को नहीं चुरा पाते। यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों को इनके अनाथ आश्रम ले आती है। दरअसल इन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये दोनों अनाथ है। अब जो अनाथ आश्रम की हेड होती है वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि सैम ने पहले भी तीन बार इस मैप को चोरी करने की कोशिश की थी, इसीलिए अब इसे माफ नहीं किया जा सकता, तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। सैम कहता है मैं अपने रूम से अपना सामान लेने जा रहा हूँ, और जब वो अपने रूम में आता है तो अपने भाई से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। पर जाने से पहले वो अपने छोटे भाई को एक कोरा कागज, एक लाइटर और उसके गले में जो रिंग होती है वो देता है और कहता है कि तुम इस रिंग को देखकर हमेशा याद रखना कि तुम किस खानदान से बिलोंग करते हो। इसके बाद सैम यहाँ से चला जाता है और उसका छोटा भाई नेटन, जिसे उसने कोरा कागज और लाइटर भी दिया था, वो लाइटर की रोशनी उस कोरे कागज पर डालता है और उसमें लिखा होता है कि कभी मत भूलना कि तुम ड्रेक हो। दरअसल नेथन का पूरा नाम नेथन ड्रैक है और वो ड्रैक खानदान से बिलोंग करता है। इनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो भी समुद्री यात्री थे। सैम के जाने के 15 साल बाद हमें नेथन को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी में एक बार टेंडर का काम करता है, साथ ही वो छोटी मोटी चोरियां भी करता है। और एक दिन उसके बार में विक्टर नाम का एक आदमी आता है और वो नेथन को बताता है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ मिलकर काम किया करता था, मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। नेथन उसके साथ काम करने से मना कर देता है। विक्टर उसे अपना कार्ड देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन नेथन अपने भाई को ढूंढना चाहता है जिसे उसने पिछले 15 सालों से नहीं देखा। हालांकि नेथन के भाई सैम ने कई बार उसे कई पोस्टकार्ड्स भी भेजे हैं लेकिन उसे नहीं पता कि उसका भाई कहां पर है, इसीलिए वो विक्टर के घर जाता है। और जब वो विक्टर के घर जाता है तो दीवार पर वो उसी मैप को देखता है जिसे बचपन में वो अपने भाई के साथ चुराने के लिए म्यूजियम में गया था। और अब विक्टर यहाँ पर आ जाता और उसे बताता है कि ये कोई आम मैप नहीं है बल्कि ये एक खजाने का मैप है जिस खजाने को ढूंढने के लिए कई लोगों की जान चली गई। और इसके बाद मैगजीन में वो उसे एक शिप का फोटो दिखाता है और बताता है कि ये शिप कई सौ साल पुराना है और इस शिप की कीमत आज 500 करोड़ रुपए है और इसके अंदर खजाना भी है। 18 लोगों ने मिलकर इस शिप को कहीं छुपा दिया था और ये वही खजाना है जिसे तुम्हारा भाई भी ढूंढना चाहता था। हालांकि नेथन इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, पर जब विक्टर उसे कहता है कि अगर तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ इस सफर पर चलना होगा, और अब नेथन अपने भाई को ढूंढने के लिए उसकी बात मान जाता है। इसके बाद विक्टर उसे एक क्रॉस की फोटो दिखाता है और जब नेथन उसे देखता है तो वो उसे बताता है कि ये कोई क्रॉस नहीं है बल्कि ये कोई चाबी है और इस चाबी को हमें हासिल करना होगा। विक्टर बताता है कि ऐसी दो चाबी हैं जिनमें से एक मेरे पास है और दूसरी ऑक्शन में है जहां से हमें उस चाबी को चुराना होगा। ये दोनों के दोनों ऑक्शन में जाते हैं जहां से चाबी को चुरा लेते हैं और इनका सामना होता है सैंटियागो से। सैंटियागो उस खानदान का वंशज है जिस खानदान ने आज से कई सौ साल पहले उस समुद्री बेड़े को फंडिंग की थी जिसके अंदर खजाना है, और अब वो चाबी को हासिल करके किसी भी तरह से खजाने और जहाज को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अब विक्टर यहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर सैंटियागो की एक किलर जिसका नाम ब्रेडॉक है वो विक्टर की गर्दन पर चाकू रख देती है और उससे चाबी मांगती है। पर इससे पहले कि विक्टर उसे चाबी देता, यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है, इनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर विक्टर और नेथन दोनों चाबी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये पहुंच जाते हैं बार्सिलोना स्पेन में जहाँ पर इनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेजर है जो विक्टर के साथ पहले मिलकर काम किया करती थी, और नेथन को पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है, इसीलिए विक्टर से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। फ्रेजर कहती है कि तुम इसको नहीं जानते, और इसके बाद वो दूसरी चाबी भी लेकर यहाँ से भाग जाती है। नेथन किसी तरह से उसे पकड़ लेता है जिसके बाद विक्टर उसे कहता है कि बिना नेथन के हम खजाने तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, और अब फ्रेजर उसकी बात मान जाती है। दरअसल विक्टर और नेथन का भाई जो सैम था, इन दोनों ने एक डायरी चोरी की थी जिसके बाद नेथन का भाई सैम गायब हो गया था, और अब उस डायरी की मदद से ये एक बहुत पुराने चर्च में पहुंच जाते हैं। और जब ये उसके बेसमेंट तहखाने में जाते हैं तो इन्हें वहां पर एक जगह मिल जाती है जहां पर इन क्रॉस को यानी कि चाबियों को लगाया जा सकता है, और जब ये चाबी लगाकर घुमाते हैं तो अंदर से तीर निकलते हैं। इनकी किस्मत
अच्छी होती है कि वो तीर इन्हें नहीं लगते और अब ये चाबी को दूसरी तरफ घुमाते हैं जिससे यहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है, जहाँ पर ये देखते हैं कि नीचे एक बहुत पुराना तहखाना है जहाँ पर दो अलग अलग रास्ते हैं और अभी तय करते हैं कि ये अलग अलग जाएंगे। एक टीम में नेथन और फ्रेजर हो जाते हैं और विक्टर दूसरे रास्ते से अकेला जाएगा, पर जाने से पहले दोनों अपने मोबाइल्स को GPS से जोड़ लेते हैं ताकि इन दोनों को एक दूसरे की लोकेशन का पता चलता रहे। और अब ये अलग अलग आगे बढ़ते हैं। नेथन और फ्रेजर आगे बढ़ते हुए क्लब तक पहुंच जाते हैं। दरअसल किसी को नहीं पता था कि ये रास्ता क्लब जाता है और क्लब में देखते हैं कि वहां पर चाबी लगाने का एक और स्लॉट है, पर तभी सैंटियागो के लोग इन पर हमला कर देते, लेकिन किसी तरह से चाबी से दरवाजा खोलकर उस खुफिया कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहां जाने के बाद इन्हें दिखता है कि वहां पर एक और यानी कि तीसरा दरवाजा भी है। फ्रेजर उस पर चाबी लगाकर घुमाती और तभी यहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है क्योंकि दरवाजा ऊपर एक फाउंटेन से जुड़ा हुआ होता है और इस दरवाजे को खोलने से पहले इन्हें एक दूसरा दरवाजा खोलना था जिस दरवाजे के पास अब विक्टर है। विक्टर उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है लेकिन तभी यहां पर सैंटियागो की वही किलर जिसने पहले भी उस पर हमला किया था वो एक बार फिर से उस पर हमला कर देती है। वहीं हमें नेथन और फ्रेजर को दिखाया जाता है जो पानी में डूब रहे होते हैं और जल्द ही अगर विक्टर ने दरवाजा नहीं खोला तो इन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। विक्टर उस किलर को बेहोश करके दरवाजा खोल देता है जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद ये उस दरवाजे से ऊपर आ जाते हैं जहां पर ये विक्टर को देखते हैं जो अब भी उस केबिन से बाहर जाली से इन्हें देख रहा होता है। ये विक्टर से दूसरी चाबी मांगते हैं क्योंकि इनके सामने एक और दरवाजा होता है जो कि चौथा दरवाजा है और ये वो दरवाजा है जिसके अंदर शायद खजाना है। हालांकि विक्टर इन्हें चाबी नहीं देना चाहता लेकिन इस वक्त उसके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो चाबी दे देता है और अब चाबी नेथन के पास है। नेथन देखता है कि उस दरवाजे पर एक निशान है और जब वो दोनों चाबियों को मिलाता है तो वैसा ही निशान बन जाता है। वो दोनों चाबियों को एक साथ जोड़कर दरवाजे के लॉक पर लगाता और जब उसे घुमाता है तो दरवाजा खुल जाता है। अब ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं जहां पर तीन बहुत बड़े बड़े पॉट्स होते हैं। इन्हें लगता है कि खजाना इन पॉट्स के अंदर है लेकिन जब फ्रेजर उसके अंदर देखती है तो उसमें नमक के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये हताश हो जाते हैं और तभी वो पॉट्स अपने आप ही टूट जाते हैं जिसके अंदर से एक नक्शा निकलता है और इस नक्शे से इन्हें पता चलता है कि खजाने का असली नक्शा ये है और इस नक्शे के मुताबिक इन्हें फिलीपींस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेजर नेथन को धोखा देती है, वो उस पर गन पॉइंट कर लेती है और उसे बेहोश करके नक्शा और दोनों चाबियों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब विक्टर भी अंदर आ जाता है, वो देखता है कि नेथन बेहोश है और वो समझ जाता है कि इन दोनों को फ्रेजर ने धोखा दिया है। नेथन होश में आने के बाद सबसे पहले विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है, क्योंकि फ्रेजर ने जाने से पहले उसे कहा था कि विक्टर तुम्हारे भाई के बारे में कुछ सच तुमसे छुपा रहा है। और अब विक्टर उसे बताता है कि जब मैं और तुम्हारा भाई डायरी चुराने के लिए गए थे, जिस डायरी की मदद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सैंटियागो की वो किलर जिसने दो बार पहले भी मुझ पर हमला किया, जिसका नाम ब्रेडॉग है, उसने हम पर हमला किया था और उस हमले में तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई, पर मैं किसी तरह से वहां से बचकर निकल गया। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर नेथन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। विक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा भाई हमेशा चाहता था कि तुम उस खजाने को ढूंढो, तुम्हें अपने भाई की आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। नेथन उसे कहता है कि मैं अपने भाई के लिए उस खजाने को जरूर ढूंढूंगा और इसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। ये कहकर वहां से चला जाता है। वहीं फ्रेजर को दिखाया जाता है जो सैंटियागो के पास जाती है, जिसकी किलर भी वहां पर होती है, जिसका नाम ब्रेडॉग है, जिसने नेथन के भाई सैम को मारा है। और यहां में पता चलता है कि फ्रेजर सैंटियागो के लिए काम करती थी, वो उसे नक्शा दिखाती है और अब ये तय करते हैं कि ये तीनों के तीनों अपनी पूरी टीम के साथ उस खजाने को ढूंढने के लिए जाएंगे। और इसके बाद एक कार्गो प्लेन में अपनी जरूरत की सभी चीजों को रखकर ये फिलीपींस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सैंटियागो ब्रेडॉग को और फ्रेजर को बताता है कि जिस खजाने की तलाश में हम जा रहे हैं दरअसल ये मेरे पूर्वजों का है, इस पर मेरा पूरा अधिकार है। और तभी ब्रेडॉग उसे जान से मार देती है ताकि पूरी पावर उसके पास आ जाए और खजाना भी उसका हो जाए। फ्रेजर यहाँ से निकलकर छुप जाती है क्योंकि उसे पता है कि ब्रेडॉग अब उसे भी मार देगी। वहीं हमें कार्गो के लगेज डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहां पर गाड़ी के अंदर छुपकर नेथन और विक्टर भी इस कार्गो प्लेन के अंदर आ गए होते हैं। और अब जब ब्रेडॉग अपने आदमियों के साथ फ्रेजर को मारने के लिए ढूंढ रही होती है तो इसी मौके का फायदा उठाकर नेथन और विक्टर उस मैप को एक बार फिर से हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद ये यहां से पैराशूट से कूदने की तैयारी करते हैं। विक्टर तो पैराशूट के साथ कूद जाता है लेकिन नेथन यहां से नहीं कूदता क्योंकि ब्रेडॉग ने उसके भाई सैम को मारा था और वो उससे अपने भाई की मौत का बदला ले
देना चाहता है। यहाँ पर ब्रेडॉक का जितना भी सामान होता है उस सारे के सारे लगेज को वो एक पैराशूट से अटैच कर देता है और इसके बाद सारा सामान नीचे गिरा देता है। वो ब्रेडॉक को यहाँ पर मारना चाहता है, लेकिन यहाँ एक गाड़ी के अंदर फ्रेजर भी छुपी होती है जो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और वो सीधा नेथन से टकराती है। नेथन भी फ्रेजर और गाड़ी के साथ प्लेन से नीचे गिर जाता है। फ्रेजर नेथन से कहती है कि जल्दी पैराशूट खोलो, लेकिन नेथन के पास कोई भी पैराशूट नहीं होता, इसीलिए दोनों के दोनों हवा में ही लगेज की तरफ जंप मारते हैं और जल्दी लगेज तक पहुंच जाते हैं जिसमें एक पैराशूट होता है। नेथन उस पैराशूट को खोल देता है और ये दोनों के दोनों सुरक्षित पानी में लैंड कर जाते हैं। दरअसल अब ये फिलीपीन पहुंच चुके हैं उसी जगह जहां पर खजाना है। वहां पर रात को ये एक होटल के अंदर स्टे करते हैं, जहां मैप देखने के बाद फ्रेजर को कुछ भी समझ नहीं आता कि खजाने की सही लोकेशन कहां पर है। दरअसल इसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं जिन्हें समझने के बाद ये खजाने की सही लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। फ्रेजर को कुछ समझ नहीं आता इसीलिए वो सो जाती है, पर नेथन पूरी रात इन कोड्स को सुलझाता है। दरअसल उसके भाई ने इन बीते हुए सालों में उसे कई पोस्टकार्ड्स भेजे थे और इन पोस्टकार्ड्स में इन क्लूज को समझने के तरीके थे जिन्हें समझकर वो एक लोकेशन नोट करता है और यही खजाने की लोकेशन होती है। और जब सुबह फ्रेजर उठती है तो वो देखती है कि नेथन ने कागज पर एक लोकेशन लिखी है। वो समझ जाती है कि यही खजाने की सही लोकेशन है और वो एक बार फिर से उसे धोखा देकर उस लोकेशन को लेकर अकेले यहाँ से निकल जाती है। नेथन जब उठता है तो वो देखता है कि फ्रेजर उसे धोखा देकर भाग चुकी है, पर यह बात उसे पहले से पता थी इसीलिए जानबूझकर उसने कागज पर गलत लोकेशन लिखी थी और सही लोकेशन उसने छुपा दी थी। और अब वो उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है जो कि एक आइलैंड पर होती है। यहाँ ब्रेडडॉग को दिखाया जाता है जो उसे दूरबीन से देख रही होती है और जल्दी नेथन उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां पर उसे दो बड़े बड़े शिप्स मिलते हैं। ये वही शिप्स हैं जिनके अंदर खजाना है जो आज से कई सौ साल पहले गायब हो गए थे। और जब वो शिप के अंदर जाता है तो वहां पर सच में खजाना होता है। और अब यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। उसे देखकर नेथन हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। विक्टर बताता है शायद तुम भूल गए, तुमने अपने मोबाइल के GPS से मेरे मोबाइल को कनेक्ट किया था इसीलिए हमेशा मुझे पता था कि तुम कहाँ पर हो। अब ब्रेडडॉग भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। उसे और उसके लोगों को देख कर ही दोनों के दोनों छुप जाते हैं क्योंकि ब्रेडडॉग के और उसके लोगों के पास हथियार भी थे। ब्रेडडॉग को पता है कि ये जो शिप्स हैं इनकी कीमत करोड़ों में है, इसीलिए उसके पास जो हेली कैरियर होते हैं वो उनसे इन शिप्स को हवा में उठा लेती है। और अब नेथन और विक्टर दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और शिप में जितने भी ब्रेडडॉग के सिपाही होते हैं उन सबको ऊपर से नीचे गिराकर हेली कैरियर पर अपना कब्जा करके इसे हाईजैक कर लेते हैं। जब ब्रेडडॉग ये देखती है तो दूसरे शिप से इन पर हमला करती है। वो अपने हेली कैरियर को इनके पास लाती है और उसके जितने भी लोग होते हैं इनके शिप में आ जाते हैं। वो नेथन पर हमला कर देते हैं। नेथन भी उनसे मुकाबला करता है। विक्टर हेली कैरियर को चला रहा होता है और अब नेथन देखता है कि सामने से ब्रेडडॉग का शिप यानी कि उसका हेली कैरियर उसी की तरफ आ रहा है। यहाँ पुराने शिप में एक पुरानी तोप भी होती है और वो उस तोप से उसके शिप पर उसके हेली कैरियर पर हमला करता है जिससे उसका हेली कैरियर और हेली कैरियर के साथ एक शिप चट्टान से टकराता है। पर इससे पहले कि ब्रेडडॉग उसी के साथ खत्म हो जाती वो नेथन के शिप में जंप कर जाती है और नेथन से कहती है कि जो मुझे नहीं मिला मैं तुम्हें भी हासिल नहीं करने दूंगी। और शिप का जो एंकर होता है वो उसे समंदर में फेंक देती है जिससे शिप और शिप के साथ जो हेली कैरियर होता है जिसे विक्टर चला रहा होता है दोनों के दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। और इसके बाद नेथन और ब्रेडडॉग की फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन ब्रेडडॉग एक खूंखार शिकारी है। नेथन अपनी जान बचाने के लिए जंजीर से ऊपर हेली कैरियर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। ब्रेडडॉग भी उसके पीछे आने लगती है। वहां ऊपर विक्टर के पास सोने से भरा एक बैग होता है और वो जानता है कि अगर उसे ब्रेडडॉग से अपना पीछा छुड़ाना है तो उसे किसी भी तरह से नीचे गिराना होगा, इसीलिए सोने से भरा बैग वो उसके ऊपर फेंक कर मारता है जिससे सोने के बैग के साथ साथ ब्रेडडॉग भी नीचे समंदर में गिर जाती है। और ठीक इसके बाद हेली कैरियर से जो शिप बंधा होता है वो भी नीचे गिर जाता है। वो ब्रेडडॉग के ऊपर गिरता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर इससे पहले कि दोबारा से शिप को अपने कब्जे में लेते हैं ये देखते हैं कि फिलीपींस की नेवी यहां पर आ रही है और ये समझ जाते हैं कि इन्हें यहां से निकलना होगा। विक्टर बहुत ज्यादा दुखी होता है और तभी नेथन उसे दिखाता है कि उसके पास अब भी कुछ गोल्ड है जो
छुपाकर अपने साथ ले आया था। और तभी हमें समंदर में फ्रेजर को दिखाया जाता है जो इन दोनों का पीछा कर रही होती है, जिसे नेथन ने बेवकूफ बना दिया था और अब किसी भी तरह से वो इन दोनों तक पहुंचना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक जेल में नेथन के बड़े भाई सैम को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होता है और वो उस जेल से अपने भाई नेथन के लिए एक पोस्ट कार्ड लिख रहा होता है जिसमें वो लिखता है कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेथन एक बार में जाता है जहां पर उसे एक आदमी मिलता है। नेथन के पास जो रिंग होती है जो उसके बड़े भाई ने कभी उसे दी थी, वो आदमी उससे उस रिंग का सौदा करता है जिसके बदले वो नेथन को नाजी मैप देने का वादा करता है। पर यह आदमी नेथन को डबल क्रॉस करना चाहता है। इससे पहले कि वो नेथन को डबल क्रॉस करता है यहाँ पर विक्टर आ जाता है जो नेथन को बचा लेता है। दोनों के दोनों बार से निकलते हैं और तभी इन्हें पकड़ लिया जाता है। इन्हें किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा, इसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।